जश्न है। हर वर्ष विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं ए 18 सितंबर, बी 18 जून, सी 18 जुलाई, डी 18 अगस्त। सही जवाब है ऑप्शन ए 18 सितंबर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में देश में नामीबिया से मंगवाए गए चीतों को किस पार्क में छोड़ा गया है? ऑप्शंस हैं ए माधव नेशनल पार्क, बी कुनो नेशनल पार्क, सी पन्ना नेशनल पार्क, डी वन विहार नेशनल पार्क। सही जवाब है ऑप्शन बी कुनो नेशनल पार्क। तीसरा प्रश्न है, परंजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है जिसे हाल ही में सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए जयपुर, बी मेरठ, सी दार्जिलिंग, डी उदयपुर। सही जवाब है ऑप्शन सी दार्जिलिंग। चौथा प्रश्न है, मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी इमाई अमीरात ने किसको अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? ऑप्शंस हैं ए जैक कालिस, बी शेन बॉन्डर, सी शॉन टेट, डी जेकब ओरम। सही जवाब है ऑप्शन बी शेन बॉन्डर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का शुभारंभ किया गया, इसका मकसद क्या है? ऑप्शंस हैं ए भारत की कृषि में सुधार, बी भारत की दवाई सेवा में सुधार, सी भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार, डी भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार। सही जवाब है ऑप्शन डी भारत की व्यापार प्रतिस्पर्धा में सुधार। छठा प्रश्न है, हाल में किस मंत्री के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 87,000 लोगों द्वारा किए रक्तदान पर नया विश्व रिकॉर्ड बना? ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी स्मृति ईरानी, डी राजनाथ सिंह। सही जवाब है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। सातवां प्रश्न है, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं ए त्रिपुरा, बी तेलंगाना, सी असम, डी भोपाल। सही जवाब है ऑप्शन बी तेलंगाना। आठवां प्रश्न है, रोमानिया के विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में कौन 76वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? ऑप्शंस हैं ए अभिजीत गुप्ता, बी प्रणव आनंद, सी प्रणव आनंद, डी विदित गुजरती। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रणव आनंद।